और ये जाल जी बना लिया इन्होंने, ये देखिए जी सरिये के साथ। और भाई जो है वो सारा जो माल है बजरी और सीमेंट वो ऊपर डाल रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जो शाम हो चुकी है तो आज सारा दिन जी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, कपड़े वगैरह जी यहाँ पे वाश होते रहे हैं। तो आज जी खाना भी बनाना है, आज हल्की फुल्की जी कोई रेसिपी बनाएंगे क्योंकि आज जी ऊपर काम हो रहा है, मिस्त्री वगैरह जी काम कर रहे हैं। तो रेसिपी बनाते हैं, आपको मौसम भी दिखाते हैं, ऊपर चलकर भी काम भी दिखाएंगे कि आज मिस्त्री क्या काम कर रहे हैं। तो और सबसे पहले जी मौसम दिखा देते हैं, सूरज इस तरह चला गया है और बच्चे यहाँ पे जी खेल रहे हैं और यहाँ पे जी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है कहीं। और ये देखें जी हमारा सामान आ गया है जी लेंटर का, और ये जी एक इधर पिलर भी पड़ा हुआ है ऊपर के लिए, तो रेत बजरी और ये पिलर आ गया है जी ऊपर लगेगा जी ये। और यहाँ देखें जी ये देखें जी इस तरह सारी छांव आ चुकी है और दूर जी देखें दोपहर है फुल ऊपर जी। आज वीडियो में आपको बहुत शोर सुनाई देगा क्योंकि ऊपर मिस्त्री वगैरह ठुक ठुक कर रही है। और ये देखें जी कपड़ों का ढेर इधर भी पड़ा हुआ है, तो और बाजी इधर हैं जी फ्रीज़र के पास पानी वगैरह जी निकाल रही हैं, दूसरी बाजी को देखते हैं जी। और ये देखें जी इधर भी कपड़े या सारे तरफ जी कपड़े ही कपड़े। और अंदर दिखाते हैं जी आपको दूसरी बाजी, इधर जी लेटी हुई है। कोई खाना पकाना नहीं है? खाना पकाना है तो सही है, तो मिस्त्री हूँ लगे हैं तो ठक ठक लगी है कि बंदा करे। अच्छा हाँ, कोई निकलने हैं बाहर कुछ देखने हैं बना लेने हैं। पकाना की है? बैंगन पड़े हुए हैं ना, तो आसान सा क्योंकि नहीं दिल करता सालन। वाकई सालन जी बच्चे कह रहे हैं हमारा दिल नहीं कर रहा खाने का, नहीं भी है वे सारा कुछ है तो चले वो तो बना लाने। ठीक है जी, कटिंग शटिंग करते हैं ना? हाँ जी। तो फिर रेसिपी बनाते हैं चले जी। और ये देखें जी ये फट्टे वगैरह आ चुके हैं, और ये देखिए जी इधर ये शटरिंग का काम, ये शटरिंग वाला जी सारा सामान आया है, और मिस्त्री वगैरह इधर लगे हुए हैं जी, ये अपना काम फुल कर रहे हैं। और इधर देखिए जी ये सीढ़ियों पे शटरिंग होगी जी। और ये तो सी भी इधर ही है जी ऊपर ही। और ये देखिए जी ये भी सामान इधर पड़ा हुआ है, और ये भी जी सामान इधर काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। आज मेरे ख्याल में जी ये लगा कर जाएंगे। चलते हैं जी नीचे और चलकर जी आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। और यहाँ से जी आपको दिखा देते हैं मौसम थोड़ा सा, ये देखिए गर्मी वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा जी गर्मी पड़ रही है। चलो जी ये चाय है जी मिस्त्रियों के लिए, तसीफ लेके ऊपर जा रहा है। आ गया लेन जी आपके लिए तरबूज हैं, और ये लेमन और सबज मेरा है। एक ही तरबूज बड़ा मैंने कटवाए कोई नहीं है, ऐसे ही मैं लेके आया हूँ। दो दो क्या कर रहे हैं? चलो एक खाएगा तो एक कल खा। हाँ ठीक है, आपने कटवाए नहीं? नहीं नहीं, ये टक लगवा के लाते हैं, ये फ्रीजर में रखते हैं तो स्मेल आने लगते हैं। हां जी खराब हो जाते हैं। हां जी ऐसे ही लेके आए, गर्मी बहुत ज्यादा है जी तो इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले तरबूज का ठीक है। ये देखिए जी बाजी टमाटर सब्ज मिर्ची और मैं जी प्याज की कटिंग कर रही हूँ। तो हम बना रहे हैं जी बैगन का भरता, स्पेशल रेसिपी होगी। तो शाम हो गई है देखिए जी, मगरब का टाइम होने वाला है, तो इसकी कटिंग करके जी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और ऊपर से आपको ठक ठक की आवाज़ें जी आज मुसलसल आती रहेगी। वह शाम हो चुकी है देखिए जी, अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो चुका है।
और अभी तक जी हमारा खाना जो है वो नहीं बना। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी आगे। ये देखें जी, इधर चीज़ें बिखरी हुई हैं और बाजी इधर जी पानी भर रही है। यहाँ पे जी हमने आलू रख दिए हैं क्योंकि बैंगन कम थे जी, और यहाँ आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मिस्त्री काम कर रही है जी, और ये सारा ऊपर से चीज़ें गिर रही हैं। डर भी लग रहा है बाजी, वो ही ना। ये देखिए जी, आपको दिखा देते हैं, और ये सारा जी है गंद गिर रहा है। यहाँ पे जी हमने आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि जी बैंगन मिले नहीं है बाजार से, तो फिर जी हम आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे कितना गंद पड़ गया है, तो यहाँ पे जी ये वाली लाइट ऊपर चली जानी है, मिस्त्रियों ने काम करना है, तो ये चूल्हा जी हम उस साइड पर लेके जाते हैं, वहाँ पर चल के जी खाना बनाएंगे। ये देखिए जी, इनको बल्ब सेट करके दिया है जी मिस्त्रियों को। यहाँ पर जी ये लेंटर की भराई करेंगे, और बाजी इधर खड़ी हैं, और ये जी उन्होंने मसाला बनाया हुआ है। ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा मसाला लगना है, और रात देखें जी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बल्ब कोई नहीं है ना? हाँ बल्ब है, ठीक है, यही बल्ब है जी छोटा सा, जिसकी बदौलत वो सीढ़ी बनाएंगे जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी, आलू हमने बॉयल कर लिए हैं, तो अब इसके जी छिड़के उतारते हैं, मसाले मिक्स करते हैं। तो आज खाना जी देखने देरा हो गया, खाना बहुत लेट हो जाना है, क्योंकि अभी मिस्त्री भी ऊपर लगे हुए हैं, साथ साथ जब उनको काम भी करवा रहे हैं, साथ साथ चीज़ें जी उनको ला के दे रहे हैं, इस वजह से जी आज खाना लेट हो रहा है। ये देखिए जी, हमारे मिस्त्री भाई लगे हुए हैं जी रात को, इनको जी अभी टाइम मिला है, इन्होंने ये जी जाल बना दिया है इस सरिये का। अब इसकी जी ये भराई करके जाएंगे, और वो सारा मसाला इधर लगा के जाएंगे जी। तो सही पास खड़ा है जी, रात देखिए जी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी हमारा खाना भी नहीं बना। और ये देखें जी, इन्होंने जी ठेका लिया हुआ है, इस वजह से ये जल्दी काम ख़त्म करेंगे, और ये सारा मसाला जी लगाएंगे इधर। तो यहाँ पे जी बाजी मजदूरों के लिए जी चाय बना रही है। ये जी आलू हमारे जो है वो मैश हो रहे हैं। ये देखें जी, सलेमान जो है वो आलू मैश कर रहा है जी। वाह जी वाह। तो मेरा आलू जी हमारे कद्दूकश हो चुके हैं, अब इसमें जी मसाले मिक्स करते हैं, जल्दी जल्दी कर गए क्योंकि खाना बहुत लेट हो रहा है। तो अब सबसे पहले जी इसमें डालेंगे जी, ये हमने एक अदर प्याज चॉप कर लिया है, तो इसका पानी निकाल के इस तरह। और ये हैं जी हमारे सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 अदद हैं, इनको जी हमने बारीक बारीक इनकी भी कटिंग की हुई है, ये मैंने डाल दी। ये सब धनिया, इसे भी डाल देते हैं। अब डालते हैं जी इसमें एक अदद चम्मच नमक, एक अदद चम्मच डालेंगे जी सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे जी मोटी कुटी सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच डालेंगे जी अनारदाना, एक चम्मच डालेंगे जी चिकन पाउडर, एक चम्मच के बराबर डालेंगे जी ये साबुत धनिया, इसको हाथों से जी अच्छी तरह मसल लेंगे। एक अदद डालेंगे जी इसमें लेमन का रस, और अब तमाम मसाले को जो हाथों की मदद से करेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो मेरा तमाम मसाला जी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब इसके जी साथ साथ हम कबाब बना के रखेंगे जी, इस तरह जी गोल गोल पेड़ा देकर घुमाकर इसको इस तरह टिक्की की तरह जी इस तरह कर लेंगे। तो भी ये देखें जी, हमारे आलू वाले कबाब कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, और यहाँ पे फ्राई पैन मैंने रख दिया है, चूल्हे को ऑन कर दिया है, और अंडे 2 अदद जी मैंने फेंट लिए हैं। अब इसमें जी हम घी डालते हैं, और गर्म होने पर जी हम कबाब जो है वो फ्राई करेंगे, और बाजी बनाएंगे जिससे आप यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे।
बिस्मिल्लाह करके जी अब कबाब उठाते हैं और अंडे में डिप करते हैं जी, इस तरह जी दोनों तरफ से। तो भी मैं यहाँ पे जी मेरे मैं कबाब बना रही हूँ और बाजी साल रोटी बना रही थी, जल्दी 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 जी हमारा काम खत्म हो जाएगा। और ये देखें जी माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन कबाब बन गए हैं जी, अब इनको जी हम इस डब्बे में रखते हैं। माशाल्लाह अच्छे कबाब अच्छे बने हैं, मैंने घी बिल्कुल जी थोड़ा डाला है। अब ये दूसरी दफा के लिए कबाब बनेंगे। ये देखें जी दोनों तरफ से कबाब जो है वो बहुत जबरदस्त गोल्डन हो चुका है, तो इसको भी जी रखते हैं। बस ये जी बस आखिरी कबाब है, बस जी हमारे कबाब तैयार हो गए। अब ये जी हम अपने मिस्त्री भाइयों को भी खाना देंगे क्योंकि अभी तक काम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी खाना उनको डाला है, जल्दी जल्दी जी खाना उनको डालते रहते हैं। ये जो अंडा बच गया था जी ये मैंने पका लिया है, तो ये इर्मा बैठी है जी, इर्मा ले लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे जी मैंने बर्तन वाश कर लिए हैं, तो अब जी थोड़ा सा आटा गूंदना है, तो मैं आटा गूंद के बाजी को दूंगी, वो रोटियाँ जी कम पड़ रही हैं। बस आटे में जी थोड़ा सा नमक डालते हैं जी हम सबसे पहले, हमारे घर में भी बल्कि जी पूरे हमारे गांव वाले जो है ना पूरे सही जी आटे में नमक डालते हैं, आटे में नमक डाल लिया है। अब जल्दी से मैं बाजी को आटा गूंद देती हूँ जी। देखिए जी मैंने गूंथ लिया है और ये बाजी के हवाले कर देते हैं, दो तीन रोटियां बना लेंगे। और ये देखिए जी बहुत प्यारी जी सीढ़ी बन रही है जी, और ये जाल जी बना लिया है इन्होंने, ये देखिए जी सरिये के साथ, और भाई जो है वो सारा जो माल है बजरी और सीमेंट वो ऊपर डाल रहे हैं जी। लो जी मैं यार मैं अपने पतरिए को आनी है दुकान पे चार को खा। और बच्चे जी इस तरह अपना खाना आज लेकर नीचे जा रहे हैं, बाजी से सबको खाना तकसीम बाजी ने सबको कर दिया है बाजी जी, दे दिया। हाँ और ये जी शामी कबाब, ये एक बच्चा रह गया है बाकी जी। हाँ ये जी बस थोड़े से रह गया जो हम खाने वाले रह गए, बाजी ने भी खाना खा लिया। रात के हो चुके हैं जी 10:30 हो चुके हैं जी, 10:26 हो गए, दिखा दे जी नज़दीक से। तो खाना जी सब बच्चों ने खा लिया है, बाजी ने खा लिया है, बाजी को नींद आई है लेकिन जी बहुत सब। तो मिस्त्री जी अभी भी लगे हुए हैं अपने के लिए जी, हम बैठे हुए थे वो खाना खा लेते फिर हम खाते हैं,
वो कहते हैं जी हमारा थोड़ा सा काम रह गया है, वो करके फिर हम खाएंगे। हस्बैंड साहब ऊपर है तो सीट भी ऊपर है, तो हम जी दोनों मिल के अब खाना खा लेते हैं। हस्बैंड साहब आएंगे वो भी खा लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने भी उनके साथ उनके बाद खा लें। चले जी फिर ये रहा जी हमारे शामी कबाब, देखिए बहुत ज़बरदस्त बने हैं जी। बच्चे जी सारे अपना अपना हिस्सा ले गए हैं, बाजी डाल दें जी। मेरे ख्याल में जी आज थोड़े बने थे शामी कबाब, दो दो आए हैं जी सबको। तो ये सादी रायता बना लिया था, ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त आया। और ये जी दही में टमाटर मिर्चे प्याज सारा कुछ डाला हुआ है। और ये साथ ही रोटी है, काफ़ी देर हो गई है जी, बच्चे खाना वगैरह खा चुके हैं, अभी भी आपको ऊपर से जी आवाज़ें आ रही होगी। तो बच्चे तो कह रहे थे कि कबाब बहुत ज़बरदस्त बने हैं, तो माशाल्लाह जी मुझे भी लग रहा है कबाब अच्छे बने हैं। माशाल्लाह जी कबाब बहुत अच्छे बने हैं, पहले खा दिन सही बात था, बहुत टेस्टी बने हैं माशाल्लाह। ये थी जी आज हमारी ट्रिप, खाना खाएंगे और आपसे जल्दी जाते हैं। और आज की रूटीन है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और ये रेसिपी जो हमने चैनल पर बना ली है, पहले कह रहे थे जी बैंगन बनाएंगे, बैंगन जी मिले ही नहीं है, फिर जी जल्दी जल्दी हमने कबाब बना लिया, आलू बड़े मेरे घर में जल्दी जल्दी बना लिए, तो आपको ज़रूर ये हमारी रूटीन और रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अभी चल कर जी जो बिस्तर ने काम किया वो भी चल कर जी दिखाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ बेस्ट होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और हमारे जितने मेरे मेरे दोस्त हो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे सब फिर से लफाज इजाफा फरमाए, सबको सिर्फ और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खाना सही बना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह सब बच्चे लोग सब खान ठीक ठाक। तो इतना अच्छा खाना खाने पर जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हस्बैंड साहब जी ऊपर हैं, बाय बाय कर देते हैं जी आपको, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है जी। और कबाब की जी अंदर से भी लुक दिखा देते हैं, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसा कि हमने चिकन डाला हुआ है। और ये देखें जी ये रात को सीढ़ी बनती रही है, अभी सुबह हो गई है जी, तकरीबन 10 बजे का टाइम है। मिस्त्री दोबारा से काम पे लग गए हैं और तसीफ साथ ही खड़ा है। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी सीढ़ी बन गई है। और ये थोड़ी सी जी ये हमारा बाथ है, उसकी ये छत भी पड़ गई है। और ये दोपहर के अभी 10 हुए हैं जी, और देखिए कितनी दोपहर लग रही है। अभी ये सारा काम जी रहता है जी, आज ये करेंगे शटरिंग का। और ये देखें जी ये शटरिंग का काम कर रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं जी। जेड़ा मर्जी है ना मेरा पता क्या है, ताजा तो लाना है।